कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि ट्रायल में हम कैसे बॉलिंग करें उसके ऊपर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट और स्पिन बॉलिंग कैसे करें ट्रायल में, और एक्शन, लाइन और लेंथ के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग दोनों पर बात करनी है, यानी कि दोनों के टिप्स बताने हैं, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए, और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ट्रायल्स में फास्ट बॉलर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपना रिदम कैसे बनाए रखें, यानी कि ट्रायल में सिर्फ एक या दो ओवर मिलते हैं फास्ट बॉलर को बॉलिंग करने के लिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये होता है कि फास्ट बॉलर को एक या दो ओवर सिर्फ अपनी रिदम ढूंढने, यानी कि लाइन और लेंथ, पिच के बारे में जानने में ही लग जाते हैं। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करें? तो दोस्तों, मैं आपको इजी टिप्स बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे ही आप ट्रायल देने जाते हो, यानी कि आप कहीं भी ट्रैवल करके जाते हो ट्रायल देने, तो आपकी बॉडी थोड़ी सी थकी हुई होती है। तो आप क्या करें कि थोड़ा अपनी बॉडी को वार्म अप करें और अपने किसी दोस्त को थोड़ी दूर पर खड़ा करके बॉलिंग की प्रैक्टिस करें, किसी जैसे कि आपने मैचों में देखा होगा। तो दोस्तों, इससे होगा क्या? इससे होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी खुल जाएगी और आपका शरीर वार्म अप भी हो जाएगा और आपका बॉलिंग के लिए थोड़ा रिदम भी बन जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात होती है कि हम कहाँ पे डालें बॉलिंग ताकि स्लेक्टर पर अच्छा इंपैक्ट पड़े। तो दोस्तों, फास्ट बॉलर के लिए सबसे अच्छी जो लाइन होती है वो होती है गुड लेंथ, यानी कि आपने जब भी बॉल डालनी है गुड लेंथ पर ही डालनी है, जिससे कि बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत होती है गुड लेंथ वाली बॉल। तो दोस्तों, अगर आप अपने मैचेस में अगर यॉर्कर बॉल डालते हो अच्छी, तो आप ट्रायल में भी यॉर्कर बॉल डाल सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छी यॉर्कर नहीं डाल सकते, तो आप ट्रायल में उसे कोशिश ना करें डालने, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि कभी कभी यॉर्कर वो फुल टॉस हो जाएगी। अगर फुल टॉस बॉल आप डालोगे ट्रायल में, तो वो सिलेक्टर पर अच्छा इंपैक्ट नहीं डालेगी। और दोस्तों, अगर आप बाउंसर बॉल डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, अगर ट्रायल जहां पर हो रहे हैं वहां पर सीमेंट की पिच है। तो अगर दूसरी पिच है तो वहां पर आप बाउंसर ना डालें, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं। आप सिर्फ गुड लेंथ पर ही डालने की कोशिश करें अगर सीमेंट पिच नहीं है तो वहां। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं स्पिन बॉलिंग की। दोस्तों, स्पिन बॉलिंग के लिए भी वही सेम तरीका वार्म अप करने का, और वही आप अपने साथी प्लेयर को थोड़ी दूर पर खड़ा करके वहीं पे आप बॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ी सी। तो एज ए स्पिन बॉलर, जब भी आप ट्रायल में जाते हो, तो आपको वहां पे अपना सिर्फ बेसिक परफॉर्म करना है, बेसिक जो स्पिन बॉलिंग के जो बेसिक रूल है वही, यानी कि आप स्पिन बॉल को जब भी आप बॉलिंग करने जाते हो, आप बॉल को ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट करें, यानी कि आप अपने सर से ऊपर से बॉल को छोड़ने की कोशिश करें। इससे होगा क्या? इससे होगा कि बॉल आप ज्यादा हवा में जाएगी और जब पिच पर पड़ेगी तो वो ज्यादा टर्न होगी, जिससे कि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सिलेक्टर्स पर। और दोस्तों, जहां तक रही लाइन और लेंथ की बात पिन बॉलिंग में, तो आप अपनी लाइन और लेंथ तीन स्टंप के बीच ही रखें, और आपकी जो बॉल है वो तीन स्टंप के बीच ही खत्म होनी चाहिए। ये सबसे बढ़िया लेंथ मानी जाती है स्पिन बॉलर के लिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि बल्लेबाज को ज्यादा रूम नहीं मिलता और आपकी बॉल पर ज्यादा शॉट और रन नहीं लग पड़ते। और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई अच्छा बल्लेबाज होगा तो वो आपकी बॉल को ज्यादा से ज्यादा डिफेंस करेगा, जिससे कि आपका गुड इम्पैक्ट पड़ेगा सिलेक्टर। और दोस्तों, एज ए स्पिन बॉलर आप बॉल को ज्यादा से ज्यादा स्लो रखने की कोशिश करें, यानी कि ज्यादा तेज फेंकने की कोशिश ना करें, जिससे कि होगा क्या, अगर आप स्लो बॉल करेंगे तो वो ज्यादा पिच पर पकड़ करेगी और ज्यादा वेरिएशन वो दिखाएगी। अगर आप थोड़ी तेज डालने की कोशिश करोगे तो वो हो सकता है कि वो स्किड कर जाए और ज्यादा आपको टर्न ना मिले पिच से। तो दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि आप बॉल को ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट दें और लाइन और लेंथ तीन स्टंप के बीच रखें और बॉल को स्लो रखें थोड़ा सा, और आप बॉल को ज्यादा से ज्यादा टर्न होकर अपना काम करने दें, यानी कि आप ज्यादा जोर ना लगाएं, आप सिर्फ बॉल को घुमाएं और पिच को हरकत करने दें। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स और ट्रायल्स में बॉलिंग करने के लिए। तो आप उम्मीद है आपको हमारी ये टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई सजेशन है या कोई टिप्स है क्रिकेट का, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें, हम अपनी वीडियो में उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। अगर कोई टिप्स होगा तो हम अपनी वीडियो में उसे जरूर
जरूर बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि आपको क्रिकेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी दें और आसान भाषा में आपको जानकारी दे सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पर बहुत सी क्रिकेट की वीडियो है अच्छी अच्छी, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हो और अपने सवाल भी उस पर पूछ सकते हो। और दोस्तों, चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।